आज हमारे आसपास काफी सारे लोग भटक रहे हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सबकी अलग पर्सनालिटीज है, जैसे इविल पर्सनालिटी। तुम ये क्या बना रहे हो प्यारे बच्चे? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बे गली के पोट्टे, 35 साल का एक बोना हूँ। दिमाग ठंडा करने के लिए एक बैक फ्लिप। मेरे अंटे फूट गए, आखिर जेब में चाबियां रख के मैं ऐसे काम करता ही क्यों हूँ? इसका मतलब मुझे एक 35 साल के बटले ने, जिसके अभी अभी अंटे फूट गए, एक गली का पोट्टा बोला। वैसे तुम ये बना क्या रहे थे? इस मशीन से मैं पूरी दुनिया की नानी माओ को कुचल दूंगा। क्या तुमने उसे अपने खिलौनों से बनाया है? हाँ तो नहीं नहीं, काफी मस्त प्लान है। हेलो पुलिस ऑफिसर, क्या आप देख के बताएंगे मेरी नानी माँ घर पर सुरक्षित है या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी नानी माँ भी बिल्कुल सुरक्षित है। इनफैक्ट वो तो अभी नहा भी रही है। थैंक यू ऑफिसर, आपकी वजह से। तो एक सेकंड, आपको कैसे पता मेरी नानी माँ भी नहा रही है? भाग बिल्लोरे, नहीं तो आज तेरी नौकरी गई। अब तुम्हारी ये पर्सनालिटीज ही तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है, जैसे एक इंट्रोवर्ट। हेलो दोस्तों, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अपना ज्यादातर समय तो घर पर रहकर ही गुजारता हूँ और अपनी इस परछाई से बातें करता हूँ। लेकिन पता है, बुन फटने वाली बात तो ये है कि कभी कभार ये परछाई जवाब भी दे देती है। कभी कभार घर से बाहर भी चला जाया कर भड़मुंजी के। देखो, है ऊपर वाले, इस नीचे वाले से बचा ले। पर्सनालिटी जैसे एक साइकोपैथ जिसे बॉडीज कलेक्ट करना पसंद है। ऐसा काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अरे भाई अब जाओ भी। पर्सनालिटी जैसे एक डॉक्टर जिसे भी बॉडी कलेक्ट करना पसंद है। ये सब काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले महीने मास्क पहनने के बाद भी मैं 3 बार पकड़ा गया। शायद इस मास्क में ही कुछ गलती है। खैर, बॉडी कलेक्ट कर प्रतियोगिता का टाइम हो गया और इस साल सबसे ज्यादा बॉडीज कलेक्ट करने का अवार्ड जाता है नान खटाई नाना जी को। बेवकूफो, तुम्हें नहीं पता क्या, कब्रिस्तान में तो फ्री की बॉडीज मिल जाती है। ये क्या दोस्त, हम तो एक पपीते की तरह दिखने वाले डोकरे से हार गए। मैं कोई डोकरा वोकरा नहीं हूँ बे, मैं एक असली नान खटाई हूँ। ये क्या दोस्त, ये तो और भी बदतर है, हम एक कुरकुरे के पूड़े से हार गए। मैं कोई कुरकुरे का पूड़ा नहीं हूँ बे सोन पपड़ी के, मैं एक नान खटाई हूँ। चल अब आके मेरा बक्सा चाट। ओ वाह, उसके पिछवाड़े पे तो इनाम जीतने का कोर्ट भी है। Yes, मुझे 15 रुपए मिले। फाइनली अब मैं अपने बाप का दमे का इलाज करवा सकता हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं अक्सर खुद को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी रहता हूँ। क्या भद्दी शक्ल है, इस पे अगर प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई तो उसमें प्लास्टिक की बर्बादी है। काश मैं जापानी कार्टून की दुनिया में पैदा हुआ होता तो आज मैं भी सुंदर होता। खोरवाए खोरवाए खोरवाए, जापानी भगवान सुखंतन्नेवाए अनिमे खुरवाए खुड़ियानु तेरे ब्राउन रंग दे। क्या? देखो मैं आपको कोई उधार उधार नहीं दे सकता, ठीक है? पहली मेरा सर, ये मैं कहाँ गया? जापानी दुनिया? अरे मैं तो सुंदर भी बन गया। यस, अरिगातो एनिमे गर्ल, क्या तू मेरी वाइफू बनोगी प्लीज? एनिमे भगवान अररा का मतलब हाँ होता है क्या? कुंती वाना सीनी आए मुंडे पट्टे तेरी सानू मेरे तुम। क्या? अरे यहाँ पे तो सब जापानीज भाषा बोलते हैं, अभी मैं क्या करूँ? ओ साहब जी, ये सब छोड़ो, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, प्रोबो पे यस और नो में जवाब देकर 1000 रुपए कमाओ, बहुत वाइफू मिलेगी। अच्छा, अपनी शक्ल देखिए जरा, तेरे कहने पे तो मैं 2 करोड़ का चेक नहीं लूँ अपने बैंक में। जा मार फिर, कोई वाइफू भी नहीं मिलेगी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे बताओ प्रोबो के बारे में। प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहाँ पे तुम सिर्फ यस और नो में आंसर देकर पैसे कमा सकते हो। थोड़ा और विस्तार में बताओगे प्लीज? प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरीज जैसे फाइनेंस, क्रिप्टो, न्यूज, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, इनमें से कई कैटेगरीज में जैसे मैंने क्रिकेट कैटेगरी सिलेक्ट करी। अब यहाँ पर सवाल है, क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 जीतेगा? हाँ हाँ जीतेगा भाई, तो मैंने यस सिलेक्ट करके इतने रुपए इन्वेस्ट कर दिया और अब मैं श्योर हूँ, तो मैंने ये क्वांटिटी स्लाइडर से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न। और पैसे कैसे निकलेंगे इसमें? तुम गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई की मदद से आराम से विड्रॉ कर सकते हो। अभी भी टाइम है, डिस्क्रिप्शन की लिंक से प्रोबो ऐप डाउनलोड करो और 25 रुपए वेलकम बोनस भी मिलेगा। हाँ, मैं अभी जाके डाउनलोड करता हूँ, फिर मुझे भी वाइफूस मिले। देखो अब जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी होगी वैसी तुम्हारी सोच भी होगी। इमेजिन तुम्हारे सामने एक बंदे के साथ तर्क दिन धा हो जाए। मेरे साथ तो तर्क
नरक दिंदा हो गया। लेकिन ये होता क्या है? हे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? शायद तुम्हें शुगर है। अरे बाप रे, तभी तो बोलूं इतना दर्द क्यों हो रहा है, पिछली बार रिपोर्ट्स में भी यही आया था। फिर तो पक्का शुगर है, तुम ये दवाई पी लो, मेरी नानी जी को भी शुगर थी। और ये खत्म। दवाई का स्वाद बड़ा ही अजीब था। अरे नहीं, ये तो मेरे नाना जी की पेशाब का सैंपल था, इसे तो मुझे डॉक्टर को देना था, उनकी किडनी में पत्थर है। तुम ये वाली दवाई पियो, ये सही दवाई है। रहने दो दोस्त, तुमने पहले मेरे दांत खट्टे कर दिए हैं। हे तुम दोनों, क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन एक शर्त पे, किसी के नाना जी का पेशाब का सैंपल नहीं पीऊंगा। ये है मनोज और सन्नी। इस आदमी के प्रति अब इनकी क्या सोच होगी, वही इनकी पर्सनैलिटी बताएगी। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? इसके बॉडी पार्ट्स बेच के पप्पी भी आके यहाँ से भजिया खा लेते हैं। नहीं, मैं तो इसके लिए एम्बुलेंस बुलाने का सोच रहा था। अरे यार, इसका मतलब फिर से मेरे दिमाग में वो आवाजें बज रही है। सन्नी की ये अजीब सी सोच ही उसे एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी देती है। लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो अपने पैरों के अंगूठे चूसने से ही फुर्सत कहाँ। क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दी? मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अरे यार। जी हाँ दोस्तों, मैं ही हूँ सन्नी के दिमाग की आवाज। अगर आप लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं तो आइए सभी साथ मिलकर पैरों के अंगूठे चूसेंगे कभी। अब अगर मैं अपनी पर्सनालिटी की बात करूं तो मुझे पता है मैं वीडियोस में बहुत सारी चीजें बोल देता हूं, लेकिन रियल लाइफ में लोगों के सामने मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाता है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी है। अगर कोई दोस्त पब्लिक प्लेस पर बुलाता भी है, हेलो दोस्त, क्या तुम हमारे साथ ये नई धमाकेदार पिक्चर देखने आओगे जिसका नाम है मरवाड़ी एवेंजर्स? अरे वो मरवाले एवेंजर्स है, आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने भी डाले है डायरेक्टर साहब ने। अरे हाँ, वही एक्शन मूवी जिसके अंदर अमिताभ बच्चन एक बच्चन बना है। एक्चुअली दोस्त, मैं अभी आ नहीं पाऊंगा, मैं अभी बाकी दोस्तों के साथ था। हाँ? इसके बाकी दोस्त कब बने? तुम्हें कितनी बार बोला है नॉट योर टाइप, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, हम तो बस तुम्हारे दिमाग की मन धड़क कल्पनाएं हैं जो अपनी कोनी चाट कर गायब भी हो सकते हैं। तो चलो फिर कोनी चाटते हैं। सॉरी, अगर हम सब इसकी कल्पना ही है तो इसने मुझे इतना गंदा क्यों कल्पना किया है? चुप हो जा बंटी, तू एक कल्पना की भी कल्पना है। मैंने कल्पना करने की कोशिश करी और एक गोटा कल्पना कर दिया। अरे मायरे, ये गोटा तो जिंदा भी हो गया। मुझे लोगों से बात तक नहीं करते आता है, कोई भी मुझसे आके कुछ बोलते है मैं घबरा जाता हूँ। हाय, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ये क्या बोलना चाहता है, कहीं ये मुझे माँ की गाली तो नहीं दे रहा? मुझे तो लग या बाप की। देखो ये सब, या सोतेले बाप की। देख, मैं अपने सोतेले बाप से भी प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने मुझे लोगों को गलत तरीके से ऐसे छूना सिखा दिया है, लेकिन अब बाप तो बाप होता है ना यार। देखो, मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन वो जो भी बोल रहा है सुनने में मजा बड़ा आ रहा है। पीछे हटो, वो हमारे प्रभु है। उन्होंने अभी हमारी प्राचीन काल की भाषा में बोला, बकरे का सिंह और पाजी सिंह इज किंग, वो हमारे किंग है। बकरे का सिंह? दोस्त, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें बोला ना, पीछे हटो। प्रभु, आप हमारे साथ चलिए। और उस दिन के बाद नॉट योर टाइप प्राचीन काल के लोगों के साथ खुशी खुशी रहना। मुझे नहीं करना यार ये। अरे बात को समझिए, आप हमारे प्रभु है, आपको ये करना ही होगा। आपको वो आदमी के पीछे हाथ डालकर वो छड़ी निकालनी ही होगी, ये हमारी परंपरा है। अच्छा, तभी तुम्हारा पुराना प्रभु भाग गया था, है ना? मेरे दो सवाल है, पहला वो आदमी कौन है और दूसरा उसके अंदर छड़ी कहाँ से डाली? ये सब बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे से वो छड़ी निकालो। 5 बजे मुझे मरवाले एवेंजर्स देखने जाना है, आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने जो है। नॉट यू टाइप की अजीब सी आवाज निकालने के कारण जो छोटे बच्चे ये वीडियो टीवी पे लगा के देख रहे थे उनकी फटी और उनने चैनल बदल दिया। अगर मुझे अपनी पर्सनालिटी इनमें से कहीं रखना होगा तो मैं खुद को यहाँ रखूंगा। हाँ, और जाने से पहले मैं तुम सबको बोलना चाहूंगा, मैं अब जा रहा हूँ, बाय। यो, आई नो वीडियो बहुत ज्यादा लेट है, बट ठीक है, मैं अब से ट्राई करूंगा वीडियोस जल्दी डालने का। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक मारो, समय आ गया औकात से बाहर जाने का। मुझे नहीं पता, इस वीडियो पे 400,000 लाइक कर दो, ठीक है? तुम लोग कर सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपनी दादी के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।